जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका स्वागत है। 21 अक्टूबर 2018 रविवार का दिन है। आइए जानते हैं आने वाला एक सप्ताह हम सब के लिए क्या लेकर आया है। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह में अपनी सुख और समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करना होगा, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं आप। काम के प्रति अपनी तवज्जो बनाए रखना आपकी अच्छाई है, जिसे अपनी कोशिशों से और सार्थक बनाने की जरूरत है। ऐसे में किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचकर निकल जाना ही बेहतर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कामकाज के प्रति आपका ध्यान अच्छा है, पर लोगों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा। ऐसे में आपके बदलते हुए विचार भी आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। किसी से भी उलझने से बेहतर ये होगा कि अपने काम की स्थिति को और मजबूत कर लिया जाए। मिथुन राशि वालों का मन दुखी है और आने वाले एक सप्ताह में कामकाज के क्षेत्र में परेशानियां उभर रही हैं। ना चाहते हुए भी परेशानियों का बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इस बात को भी भलीभांति संभाल लेने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में आपके मन में कई तरह के विचार उभर रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अपने मन में बिठाई हुई कड़वाहट को तो हटाना ही पड़ेगा। सिंह राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह में सब कुछ भुलाकर अपनी अच्छाई लोगों पर व्यक्त करनी होगी, तब जाके उसका पूरा फायदा मिलेगा। आपसी तालमेल भी बेहतर हो जाएगा और जिंदगी आप पर मुस्कुराएगी जरूर। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला एक सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे से जुड़े बहुत सारे विचार आपको परेशान कर रहे हैं और इसका असर आपकी कोशिशों पर पड़ता चला जा रहा है। जबकि अच्छाई है कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी है और उस मेहनत से कुछ पा लेने की इच्छा भी है, इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। तुला राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह में लोगों की बात अच्छी लग रही है, इसलिए किसी का दिल जीतना भी आसान हो रहा है। कामकाज में भी ध्यान बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए समय जुटाना होगा और खुद पर भरोसा भी करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है और मन में सुकून है। हालात भी हर तरह से मदद कर रहे हैं ताकि आप अपनी काबिलियत को सही रूप से इस्तेमाल कर सकें। धनु राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में हालात हर तरह से मददगार हैं, पर किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से बचना होगा। इसलिए किसी भी तरह के बदलाव से पहले एक बार फिर सोच लेने की जरूरत पड़ेगी, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए। मकर राशि वालों की आने वाले एक सप्ताह में मेहनत भी नजर आ रही है और आपकी लापरवाही भी नजर आ रही है। ऐसे में थोड़ा सा बचाव बनाए रखने से आपके हालात सुखद हो सकते हैं। वैसे ही आप इस समय अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात। कुंभ राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह में ये समझना है कि कामकाज की स्थिति बहुत सारी तवज्जो और बहुत सारी मेहनत मांगती है। यहाँ तक कि काम या कारोबार में पैसा भी लगाना पड़ सकता है और यहीं पर परेशानी है, क्योंकि साथ ही साथ नुकसान का योग भी बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में हालात मददगार हैं, क्योंकि तकदीर आपके साथ। मन फिर भी उचाट है, क्योंकि आपकी क्षमताएं बहुत हैं और उसी में कोई ना कोई कमी बनी रह सकती है। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। नमस्कार।